हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम महेश है और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बिग डेटा एंड हडूप फ्रेंड्स हमने न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बिग डेटा एंड हडूप को कवर करने वाले हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एक्सपर्ट लेवल सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं लाइक वाट इज बिग डेटा इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक सो हडूप इंस्टॉल एंड कन्फिगर करने से पहले हम बिग डेटा का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे बिग डेटा से पहले हम सिंपली समझते हैं व्हाट इज डेटा सो फ्रेंड्स डेटा बेसिकली क्वांटिटीज कैरेक्टर्स या सिंबल्स हो सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिसको हम इजीली ट्रांसमिट एंड स्टोर कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक मीडिया में या फिर हम ऑप्टिकल या फिर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया डिवाइस भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं जो कि पहले यूज किए जाते थे तो नाउ अब हम समझते हैं बिग डेटा क्या होता है फ्रेंड्स एक ऐसा डेटा जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो वॉल्यूम में उसको हम बिग डेटा कहते हैं जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है एंड फर्दर अगर हम देखें तो बिग डेटा का साइज बहुत ही ज्यादा होता है एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस या फिर मैनेज करने के लिए जिसके लिए पर्टिकुलर कुछ मैनेजमेंट टूल्स होते हैं लाइक हडूप जिनके थ्रू हम बिग डेटा को ईजली मैनेज या फिर एनालाइज़ कर सकते हैं तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो एक ऐसा डेटा जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इन साइज हो उसको हम बिग डेटा कहते हैं नाउ अगर हम बिग डेटा के एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो कि कंटीन्यूसली इन टेराबाइट्स और पेंटाबाइट्स में डेटा को रिलीज़ करता है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम सिंपल व्हाट्सएप एप्लीकेशन की बात करें जिसमें हजारों मैसेजेस मीडिया या फिर फोटोज सेंड या फॉरवर्ड किए जाते हैं पर डे जो कि मोर देन 500 हंड्रेड ऑफ टेराबाइट डेटा पर डे प्रोड्यूस करता है जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है बिग डेटा का क्योंकि ये पर डे टेराबाइट्स में डेटा जनरेट करता है एंड सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें विच इस सोशल मीडिया जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है जो कि मोर देन 500 हंड्रेड ऑफ टेरा बाइट डेटा प्रोड्यूस करता है पर डे एंड फर्दर आप देख सकते हैं इस डेटा का साइज इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस, फोटोज एंड मैसेजेस होते हैं जिनका साइज अगर हम ओवर द ग्लोब कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 500 हंड्रेड ऑफ टेराबाइट होता है पर डे जो कि बहुत बहुत बड़ा डेटा साइज है सो so फर्दर अगर हम टाइप्स ऑफ बिग डेटा की बात करें तो बेसिकली बिग डेटा थ्री टाइप्स का होता है फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज सेमी स्ट्रक्चर सो अगर हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो ऐसा डेटा जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हो या फिर किसी पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट में हो उस डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा बोल सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल जिसमें कुछ एम्प्लॉइज़ का डेटा है जो कि एक टेबल के फॉर्मेट में है जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऐसे किसी भी डेटा एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर डेटा कहा जाता है फर्दर अगर हम अनस्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो एक ऐसा डेटा जिसके कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है उसको हम ऐसा अनस्ट्रक्चर डेटा कंसीडर करते हैं मींस अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें बाय गूगल सर्च अगर गूगल सर्च पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको थाउजेंड मिलियंस एंड बिलियंस में सर्च रिजल्ट मिलता है जो कि एक अनस्ट्रक्चर डेटा का फॉर्मेट है सो so फर्दर अगर हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो ऐसा डेटा जो कि अंडरस्टैंडेबल हो बट उसका कोई भी स्ट्रक्चर ना हो लाइक वो किसी भी टेबल के फॉर्मेट में ना हो ऐसे डेटा को हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं तो अगर आपने विंडोज में कभी काम किया हो तो कुछ एक्सएमएल फाइल्स होती हैं जिनको अगर आपने कभी ओपन किया हो तो डेटा काइंड ऑफ कोडिंग के फॉर्मेट में होता है मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एक एक्सएमएल फाइल ओपन है जिसमें डेटा विजिबल है अंडरस्टैंडेबल है बट इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या टेबल नहीं है ऐसे डेटा को हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं एंड आप देख सकते हैं डेटा ग्रोथ ओवर द ईयर जैसे कि बिग डेटा 2010 में स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं अप टू to 2030 टोटल डेटा इस 78 एट योगाबाइट है सो so 78 एट बाइट कितना होता है ये बहुत ज्यादा डेटा होता है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड राइट नाउ हम यहाँ पर हैं 2022 में एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी है डेटा की वो अनस्ट्रक्चर डेटा ही है एंड स्ट्रक्चर डेटा ऑलमोस्ट टेन या ट्वेंटी परसेंट ही है टोटल बिग डेटा का सो so फ्रेंड्स अगर हम बिग डेटा के कैरेक्टरिस्ट की बात करें तो इसको नॉर्मली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट वन इज वॉल्यूम बिकॉज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक ऐसा डेटा जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है उसको हम बिग डेटा कहते हैं तो वॉल्यूम एक कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का सेकेंड वन इज वेराइटी वेराइटी मीन्स कितने टाइप का डेटा होता है लाइक वो फोटोज भी हो सकते हैं वीडियोज भी हो सकते हैं पी डी एफ फाइल्स हो सकती हैं वर्ड फाइल्स हो सकती हैं एप्लीकेशंस हो सकती हैं तो ये सारे के सारे टर्म्स वेराइटी को डोनेट करते हैं इसके लिए वैरायटी भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का फोर्थ वन इज़ वेलोसिटी वेलोसिटी मींस किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है मींस अगर हम फेसबुक व्हाट्सएप या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो जरूरी नहीं है हर एक प्लेटफॉर्म पर सेम वेलोसिटी में डेटा प्रोड्यूस हो डेटा कई बार कई सारी एप्लीकेशंस में बहुत ही स्लोली जनरेट होता है बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट डेटा जनरेट होता है तो वेलोसिटी भी एक मेजर कैरेक्टर है बिग डेटा का एंड लास्ट वन इज वेरिएबिलिटी मीन्स वेरिएबल की अगर हम बात करें वेरिएबल का मतलब होता है ऊपर नीचे हो सकता है मीन्स डेटा जनरेशन का मीन्स डेटा जनरेशन का जो वॉल्यूम होता है वो वेरी कर सकता है डे एक जैसा नहीं रहेगा कभी बहुत पीक पर जाएगा या फिर कभी बहुत ही नीचे जाएगा जैसा कि आपने कभी शेयर मार्केट का ग्राफ़ देखा हो जो कि ऊपर नीचे होता रहता है सेम वेरिएबिलिटी बे, भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का सो so फ्रेंड्स अगर हम बिग डेटा के एडवांटेजेस की बात करें तो बिग डेटा को एनालाइज करके कंपनीज बहुत ही पहले इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट हम सोशल मीडिया या फिर सर्च इंजनस का डेटा कलेक्ट करके इजीली एनालाइज कर सकते हैं एंड अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ को एज़ पर द इन एडवांस सेट अप कर सकते हैं हम कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं हम कस्टमर के ट्रेडिशनल फीडबैक इजीली कैच कर सकते हैं एंड हम पहले ही हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हैं हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का रिस्क होने वाला है या फिर किसी का बूम या फिर किसी का डाउन आने वाला है ये सारी की सारी चीज़ों को हम पहले ही एनालाइज कर सकते हैं एंड लास्ट हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा एनालिसिस सो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो समरी कवर की है आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन हमने बिग डेटा की डेफिनेशन को कवर किया हमने बिग डेटा के एग्जाम्पल्स कवर किए हमने बिग डेटा के टाइप्स कवर किए हमने बिग डेटा के कैरेक्टर्स को समझा हमने बिग डेटा के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो कवर किए सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम हडूप का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एंड हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच